हमारी DVR की। तो ये हमारी DVR की रेक है, इसे कहते हैं फॉर यू रेक, जिसे हम अपने एनिवर लगाते हैं। और सबसे पहले इसे अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज निकलती है। तो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये है हमारी रेक, इसकी कमी है, हम छुटा देते हैं। हमारा ये रेक है और इसे हम असेंबल करेंगे कैसे इसे बनाया जाता है। ये हमारी पेच है और ये हमारी की है, ये इसका आगे वाला डोर है, ये आगे वाला डोर है हमारा, जिससे यहाँ पर हमारा लॉक हो जाएगा, जिससे कि हमारे कोई जैसे DVR में जैसे लोग उंगली कर देते हैं या तब छेड़ छाड़ने लग जाता है। अगर हम DVR रेक लगाएंगे तो हमारे में छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो इसे लगाने का एक तरीका ये होता है। जो ये चीज़ है, ये हमारी पीछे की साइड है, कैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक पट्टी सी आ रही, ये हमारे आगे का होता है और जो आप यहाँ पे देख रहे हो एक कट, ये हमारा पीछे का होता है और सेम ये ऐसे ही लगेगा। ये देख रहे हो आप, ये हमारी पीछे की साइड रहेगा जिससे यहाँ पे ये लग जाएगा। सेम प्रोसेस इसका भी यही करना है, ये इसका हमारा पीछे रहेगा। ये पेस्ट है, हम लोग पेस्ट करते हैं इसमें। वालों को तो लगाए ना। हाँ बड़े वाले होंगे, ये तो बड़े ही हैं, ये है ना ये वाले। हाँ अच्छा लगा के इस वाले को इसके पेच में इसके साथ पेच भी आया हुआ है, तो ये हम दिखा देते हैं। इधर का करते हैं, मजबूत हो गया आपको
हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये चीज हमारा रहेगा पीछे। अभी तो इधर की साइड में लगेगा ना, देख सकते हो कि ये रेख हमारा बन के तैयार हो गया है। ये देख सकते हो ये हमारी पेच लगे हुए हैं और ये आप देख सकते हो ये हमारा रेख बन के तैयार हो गया है। तो आप ये देख रहे हो ये ऊपर ये जो होल है यहाँ से हमारी वायर मतलब अंदर बाहर हम वायर को कर सकते हैं। और ये एक हमारा एक नीचे लगा हुआ है और ये हमारे ईयर के लिए है, जैसे कि हमारा जो DVR है DVR में प्रॉपर जैसे ऑक्सीजन मतलब जैसे हीटिंग के वजह से वो जो उसकी हीटिंग वो बाहर निकलती रहे। यहाँ पे एक हमारा एडजस्ट फैन लग जाता है और ये रेख लगाने का ये फ़ायदा होता है कि जैसे कि हमारा जो कोई भी सेटअप है वो एक सेपरेट हो जाता है, जिससे कि हमारे ये हमारे DVR में कोई छेड़छाड़ या और भी चीज़ें कुछ मूवमेंट नहीं कर सकता कोई भी। और इससे क्या होता है कि हमारी कोई वायर या कोई भी चीज़ है वो हिलती नहीं है। अब जैसे कई लोग ये रेक नहीं लगवाते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा समस्या ये आती है, जैसे तो उनके कनेक्टर्स में जंग लगना, कार्बन निकलना और जैसे कभी कभार हिल जाता है या चूहों ने वायर काट दी। तो इसीलिए हमें अधिकतर ये 4U रेक या 2U रेक जो लगाना चाहिए।
अब इसका ये फ्रंट का हिस्सा लगाने जा रहे हैं, तो इसका फ्रंट का ये लॉक वाला है, तो ये लॉक वाला लगा देते हैं। पहले भाई ये अब दिखाओ कि इसका दो DVR है, ये रेक है, ये कैसे वॉल पे लगेगा एक बार ये बताओ। जैसे ये हमारे सामने वॉल है तो यहाँ पे कैसे लगाया जाएगा, ये देख सकते हो ऐसे ये वॉल पे लग जाएगा ये रेक, इसके अंदर हमारा आ जाएगा DVR। हाँ, अब बाकी अब आप छोटा कोई बात नहीं। अब जैसे आपने देख लिया है ये ऐसे ऐसे वॉल पे लग जाएगा, और इसका आगे वाला ये लगा दो कैसे लॉक होगा। आप देख सकते हो करो आप देख सकते हो कि यहाँ हमारा ये डोर लग गया है AC++ का, हम लेके आए और इसे हम ये हमारी की का है, ये हमारी चाबी है, अगर इसे हम इसे लॉक कर देते हैं तो ये हमारा ओपन नहीं होगा और फिर हमारा कोई भी सिस्टम है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो आई होप गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जय शंकर भाई।